देखिए, कोबरा पोस्ट एक मतलब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है और उसने एक तरीके का स्टिंग किया है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत से. आज जो पूरा विश्व ही मीडिया के एक भुलावे के अंदर आया हुआ है, और जैसे कहा जाता है एक लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है वो मीडिया होता है, मास मीडिया होता है. और इस कंडीशन में इस समय चारों तरफ अगर लोकतंत्र को यदि कोई स्थान दे सकता है तो वो मीडिया ही है. लेकिन विडंबना वाली बात है या सोचने वाली बात ये है कि इस समय भारत की जो मास मीडिया है वो पूरे तरीके से किस तरीके से बिक गई है विभिन्न प्रकार की राजनीतिक दलों के अंतर्गत, राजनीतिक पार्टियों के अंतर्गत, राजनीतिक हितों के अंतर्गत, जिससे कि वो अपना मूल जो कर्तव्य है जनता के बीच में कड़ी बनने का जो काम करती है मीडिया, सरकार और जनता के बीच में एक सेतु बनाने का जो काम करती है मीडिया, वो नहीं ईमानदारी से कर रही है और जनता तक वो फैक्ट पहुंचाने की कोशिश कर रही है जो वास्तव में सही नहीं है, और वो चीज़ पहुंचा रही है जो जनता को नहीं जाननी चाहिए. बेसिकली कोबरा पोस्ट ने वो एक इन्वेस्टिगेशन किया है और उसके अंतर्गत जो मेन स्ट्रीम के, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया है, चाहे वो एबीवीपी है, चाहे वो एबीपी न्यूज़ है, या बहुत सारे ऐसे जो मेन स्ट्रीम के न्यूज़ चैनल्स हैं, उनों के एडिटर से मिलना, उनके बड़े बड़े पदों पर जो लोग हैं उनको पैसा देकर एक तरीके की एक विचारधारा को प्रोत्साहित करने का काम ये मेन स्ट्रीम की मीडिया इस समय कर रही है. और एकमात्र एक इस समय जो चल रहा है कि सोशल मीडिया का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, छोटे छोटे चैनल जो यूट्यूब के माध्यम से अपनी बात को पहुंचा पा रहे हैं. मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि ईमानदारी से मात्र वही एक वो कार्य कर रहे हैं. बाकी के तो मेन स्ट्रीम के मीडिया तो पूरा प्राइवेटाइज तो हो गई है, लेकिन उसके ऊपर ओनरशिप हावी हो गई है और ओनरशिप के अंतर्गत वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं और मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा. मैडम, सोशल मीडिया के अंदर आपने बताया, सोशल मीडिया के अंदर 175 जो एंकर हैं उनका टारगेट है कि उनका मर्डर कभी भी हो सकता है. से देखिए, जो सही बात करेगा, जब आंदोलन करेंगे, ये कोई मीडिया जो सोशल मीडिया पे जो एंकर हैं या जो रिपोर्टर्स हैं वो ज़मीन खोद खोद कर फैक्ट लेकर आ रहे हैं और ऐसे हर चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा ही नहीं रही. चाहे अगर यदि आप बात करें कि 2 तारीख के जो आंदोलन था, उस 2 तारीख के आंदोलन को यदि वास्तव में अगर पहुँचाया है सही तरीके से, तो वो सिर्फ सोशल मीडिया ने पहुँचाया और मेन टीम की मीडिया ने तो उसको कवर भी नहीं किया, सच्चाई दिखाई नहीं. ये सिर्फ 175 या संख्या मुझे पता नहीं है, लेकिन जितने भी जो वास्तव में जो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल जो हैं सोशल मीडिया के, वही हकीकत को पहुंचाने की बात कर रहे हैं और कर रहे हैं वो. और उनकी जान को खतरा, देखिए, आंदोलन में कूदेंगे, क्रांति करेंगे तो जान की परवाह किए बिना वो लोग कूद पड़े. मैं पूरा देश उनका शुक्रगुजार है, हर समाज उनका शुक्रगुजार है, दलित समाज उनका शुक्रगुजार है और एक गरीब उनका शुक्रगुजार है कि वास्तव में कम से कम उन्होंने इतना बड़ा जिग्र तो किया है कि सही बात को वो लोगों तक पहुंचा पाए. गुजरात से हिंसा की खबर आ रही है, वहां पर दलित समाज के युवक को पीट पीट कर जिंदा जला दिया. देखिए, खाली गुजरात नहीं है, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में और बहुत सारे दूर दराज के, उड़ीसा में, कई सारी ऐसी, कलकत्ता में कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे दलितों के साथ उत्पीड़न अभी भी ख़त्म नहीं हुआ. उनका वो गुस्सा, उनका वो आवेश, जो चीज़ें हैं वो निकल कर आ रही हैं कि वो किस तरीके से मतलब उनको रोक पाए, जो नया आंदोलन एक तरीके से वो ना हो पाए. जो ना केवल गुजरात में और मतलब मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में, असम में, हर जगह पूरे देश भर में दलितों के साथ जो उत्पीड़न है वो कम नहीं हुआ, निरंतर वो बढ़ रहा है. और वो अपना खुन्नस, जिसे कहा जाता है, वो अपनी खुन्नस वो मतलब निकाल रहे हैं एक वर्ग, और वो ये बताना चाहते हैं कि हम आपको हिंसा के माध्यम से आपको समाप्त कर देंगे. लेकिन वो जान लें
कि कितनी ही हिंसा हो, क्रांति जब होती है उसमें कहीं ना कहीं बलि तो जा रही है, वो मेरे बंधुओं की बलि जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो एक बड़ी आंधी जो आएगी, 2 तारीख की एक आंधी आई थी, उसके बाद एक बड़ी आंधी आने की मतलब शुरुआत हो गई है, और ये आंधी 2019 में जाकर अपना रिजल्ट दिखाएगी कि वो क्या करने वाली। इसलिए हिंसा करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो ठीक है, जो 2 तारीख को बहुजन समाज ने अपनी एक हिंसा दिखाई थी, उसके बाद भी सरकार ने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया कि SC ST एक्ट को पूर्णतः लागू करवा दिया गया, अभी तक नहीं करवाया गया। देखिए, SC ST जो एक्ट है वो पूर्णतः लागू ऑलरेडी पहले से ही है, और लेकिन उसके अंदर कुछ बदलाव किए गए थे, ठीक है। जो SC ST एक्ट के अंदर जो बदलाव किए गए थे कि अब डायरेक्टली गिरफ्तारी नहीं होगी, वो एक जो कार्यालय के अंदर एक तरीके की उसकी कार्रवाई चलेगी, उसके बाद उसको पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद होगा, वो थोड़े से क्लेरिफिकेशन है, ठीक है। लेकिन नहीं, डिमांड खाली सिर्फ SC ST एक्ट का नहीं था, डिमांड उसके अंतर्गत बहुत सारे SC ST जो प्रावधान हैं उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से लागू करने के लिए है, और उन पर होने वाले उत्पीड़न को कम करने के लिए। ये SC ST एक्ट जो है वो खाली एक कंप्लेन वाली बात थी कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना या इस तरीके की कोई घटना होती है उस पर संज्ञान लिया जाएगा, वो भी यदि किसी कार्यालय में ऐसा होता है। लेकिन अगर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल निरंतर बढ़ रहा है और चीज़ें वो की जा रही है, उनके साथ उत्पीड़न बढ़ रहा है, उत्पीड़न के अलग और संविधान में प्रावधान है। अब जैसे कहा जाता है, मैं तो टीचर हूँ तो दैट इज़ वाई आई कैन टेल यू कि कान को इस तरीके से पकड़ो या इस तरीके से पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है। ऐसी स्थिति में हमें समझदार बनना पड़ेगा और अपने कानून को हर रूप से इस्तेमाल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। संविधान में समानता का अधिकार है, यदि हमें यहाँ से वो अधिकार नहीं मिलता तो हम एक व्यक्ति एक जाति से संबंध रखता है, एक जेंडर से संबंध रखता है, और वो भारत का नागरिक है तो वो एक नागरिक अधिकार भी रखता है। तो हमारे एक व्यक्ति के पास असंख्य तरीके के अधिकार हैं, हमें अपने अधिकारों को पहचानते हुए अपनी कंप्लेन के मोटो को चेंज कर देना चाहिए, अपने कंप्लेन के तरीके को चेंज करके अपने अधिकार को लेना चाहिए। रोस्टर को जिस प्रकार कम कर दिया गया DM है, तो उसको सर देखिए, रोस्टर इस समय तो निर्वर्तमान जो सरकार है वो शिक्षा के रूप में गौण है, मतलब शून्य है शिक्षा, मतलब मुझे लगता है कि ये अनपढ़ों की सरकार है और उनको शिक्षा का कोई महत्व नहीं पता है, और वो शिक्षा के बारे में जब उनकी पहली ही जो HRD मिनिस्टर थी वो खुद ही शिक्षित अच्छे तरीके से नहीं थी तो शिक्षा को कैसे समझ पाएंगी, तो वो शिक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर लगातार जो SC ST या जो भी रिजर्व जो पोस्ट हैं वो ख़त्म की जा रही हैं दूसरे रूप से। मैंने अभी उदाहरण दिया कि कान को ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, लेकिन उसी तरीके से सरकारें विभिन्न प्रकार की नीतियाँ लाकर वो रिजर्वेशन को ख़त्म कर रही हैं, रोस्टर को ख़त्म कर रही है, पोजीशन को ख़त्म कर रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ही नहीं, पूरे भारत की शिक्षा प्रणाली एक तरीके से मृत होती चली जा रही है, और पूरे तरीके से उसको ख़त्म करने वाले हैं, उसका टोटली प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, और नई नई जैसे अशोका यूनिवर्सिटी और असंख्य प्रकार की जो यूनिवर्सिटियाँ खड़ी हो गई हैं, कल 12वीं का रिजल्ट आया है तो उसमें देखें कि अशोका यूनिवर्सिटी में BA मात्र खाली BA करने के लिए 8.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। आप समझिए 85% कैसे 1 लाख रुपए जुटा नहीं सकता और 8.5 लाख रुपए कहाँ से देगा, और कॉलेजों को दिल्ली यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को प्राइवेटाइज ऑटोनमस बनाने की जो उनकी जो फिरत है वो हम लगातार उसका मतलब विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अभी भी हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में मतलब इवेलुएशन को बायकॉट किया हुआ है कि लेट्स सी सरकार हमारी बात को माने, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा, वो राजनीतिक रूप से अपनी बातों को रख रहे हैं। मैम, आपने जिस प्रकार मौजूदा सरकार के हालात बताए, बहुजन समाज के पास अब क्या रास्ता है? बहुजन समाज के पास एक ही मात्र रास्ता है कि वो अपनी विभिन्न प्रकार की जातियों को भूलकर और अलग अलग संगठनों के रूप में अपने अपने गुट को लेकर चलने की बजाय एकजुट हो जाए, और जब तक वो बंडल नहीं बनेगा, जब तक वो मुट्ठी नहीं बनेगी, तब तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अब एकजुट आकर एक जगह एकत्रित होकर बिना किसी भेदभाव के ये जान लीजिए कि आप बहुजन हैं,
आप इस जाति से हैं उस जाति से मायने ही नहीं रखता, ये मायने रखता है कि आप प्रताड़ित हैं, आप वंचित समाज का हिस्सा हैं, आप शोषित समाज का हिस्सा हैं, शासक समाज का हिस्सा नहीं है। ऐसी स्थिति में एकजुट आकर आपको कार्य करना पड़ेगा। एकजुट होकर सत्ता में आने की आवश्यकता है या नहीं, सिर्फ एकजुट होने से नहीं? देखिए एकजुट होने का मतलब ही क्या, एकजुट आएंगे जब तक हमारी पार्लियामेंट पे कब्जा नहीं होगा, जब तक हम पार्लियामेंट में मतलब अगर 552 है और मतलब 800 लोगों की जमात वहां पर, और 800 में जब तक 500 नहीं होंगे, हमें 500 चाहिए, हमें आरक्षण की सीटें ही खाली नहीं चाहिए, हमें ऐसी जगह पे जहाँ पर जनरल सीट है वहाँ पर भी अपने दलित के बंधु को खड़ा करना चाहिए और वहाँ से जिताना चाहिए। लेकिन मैडम कहा जाता है कि बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की बताई हुई बातों को कम मानते हैं पढ़े लिखे लोग। देखिए बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की बताई हुई बातों को नहीं मानते। ये जो कुछ पहली बात तो ये समझने वाली बात है कि कितने पढ़े लिख गए हैं, हमारा समाज पढ़ कितना लिख गया है, कुछ परसेंट पढ़ा लिखा है, ठीक है, और वो एक लंबे समय के बाद उन्हें कुछ मिला है तो ऐसी कंट्री वो कुंठा से ग्रस्त हैं, वो अपनी ही कुंठा से ग्रस्त हैं, इस वजह से बाहर नहीं आना चाहते। वो कहते हैं अपना पेट हाऊ मैं ना दू काऊ वाली बात है, तो ऐसी कंट्री वो अपना पेट भरने में लगे क्योंकि बहुत ही सदियों के भूखे हैं, तो कोई बात नहीं, इतने सारे उसमें कुछ को थोड़ा बहुत अगर वो छुपे हुए भी हैं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि उनको शर्मिंदा करना, मेरे जैसे लोग शर्मिंदा करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और हम तब तक शर्मिंदा करते रहेंगे जब तक वो अपने ऑफिस से अपने एसी के रूम रूप को छोड़कर रोड पर आकर एकता की बात नहीं करेंगे। धन्यवाद।